दिस इज माई ओल्ड वीडियो व्हेन आई वाज इन सऊदी अरेबिया और मुझे मौका मिला रिटर्न पे सफर करने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि आपको इस व्लॉग के टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं जाने वाला हूँ मदीना मक्का से वाया जिद्दा। और मदीना जाने के लिए आप दो से तीन चीजें इख्तियार कर सकते हैं, या तो आप कार पे जा सकते हैं, या बस पे, या फिर ट्रेन पे। और ट्रेन जब बुलेट ट्रेन हो तो बंदा क्यों मिस करे। और इसके लिए क्योंकि ये कंपनी का टूर था तो मुझे कंपनी की गाड़ी में मक्का टर्मिनल तक पहुंचाया गया। और जैसे आप देख रहे हैं कि हम जिद्दा टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं और बाहर से देखने में तो लगता है यार ये कोई एयरपोर्ट है और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, तो मे बी कुछ और अच्छा बना लें। तो देखते हैं अंदर से ये कैसा लगता है। चलें अंदर चलते हैं। ये गाड़ी पहले हमने पार्क कर ली और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप वो देख रहे हैं वो सामने जो गेट है, हम उस गेट से एंटर हुए, फिर ये लेन में आके हमने यहाँ लाइन बनाई और इधर एक टिकटिंग काउंटर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इससे हमने टिकट चेक करवाई और अब हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। और ये हम अपने टर्मिनल पहुंच चुके हैं और वो आप सामने देख सकते हैं कि जहां आके ट्रेनें रुकती हैं वो सामने वो जगह है। और अभी हमें टर्मिनल में जाना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनल नीचे तरफ है। देख लीजिए सामने एक ट्रेन खड़ी भी है। वो यहाँ तो फैमिलियां हैं, क्या पता कैमरा अलाउ हो या ना हो। ये किसका मैसेज आ गया मुझे इस वक्त, मैसेज को छोड़ें। अभी इस वक्त 8:15 हो चुके हैं और ये है हमारी बुलेट ट्रेन जिसपे मुझे जाना है। इस ट्रेन नंबर यानी कि 20 नंबर इस ट्रेन का नंबर है और मेरा जो बोगी नंबर है वो 1 है। तो चलें ढूंढते हैं मेरे वो बोगी नंबर को। आई थिंक सो 1 यही होगा। किसी की वीडियो ना आ जाए नहीं तो बाद में मसला हो जाएगा। और इसके साथ ही हम पहुंच गए अपने कैबिन में, कैबिन नंबर 1। और ये एक बिजनेस क्लास कैबिन है और मेरी सीट नंबर 1A है। 1A, दैट इज 1A। वाओ बड़ी शानदार सीट है, शीशे के साथ वाली, यानी मज़े सफ़र में मज़े आने वाले हैं। और अभी ट्रेन में कुछ टाइम है इसलिए मेरे ख्याल में मुसाफिर भी नहीं आए, तो चलें मैं आपको ट्रेन का एक टूर दे देता हूँ। और ये सामने क्या लिखा हुआ है, कैफेटेरिया इस साइड पे। तो चलें चल के कैफेटेरिया देखते हैं। और इसके साथ जो दूसरा केबिन है वो भी बिजनेस क्लास केबिन है। मे बी ये 3 बिजनेस क्लास केबिन है और उसके आगे कैफेटेरिया को, क्योंकि तो सामने बीच में पार्टीशन नजर आ रही है, मे बी वही कैफेटेरिया होगा। और ये तीसरा बिजनेस क्लास, यहाँ तो औरतें बैठी हैं। चलें मैं बाहर से जाता हूँ, बाहर से जाके आपको दिखा देता हूँ। और ये सामने भी एक ट्रेन खड़ी है, ये भी बहुत प्यारी, ये मक्का पहुंची है। और ये अभी जो जिस ट्रेन में मैं हूँ ये मदीना जाने वाली है। बस यहाँ ही एक ही चीज़ का डर लग रहा था कि किसी की फैमिली वीडियो में ना आ जाए, तो नहीं तो बाद में कोई ना कोई मसला ना कुछ नहीं सर। और ये मदीना मुनव्वरा और ये है कैफेटेरिया। आए कैफेटेरिया के अंदर चलते हैं। This person don't want to come in front of camera, but ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये वीडियो किस लिए है, तो मैंने बताया कि YouTube के लिए है। तो वो बोल रहे थे कि YouTube के कितने सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने बोला अभी स्टार्ट है।
तो हंसने लग गए कोई नहीं। और कैफेटेरिया का मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो कैफेटेरिया का खाना है वो क्या बाय करना पड़ता है या फ्री है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप बिजनेस क्लास में हैं तो आपके लिए फ्री है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और अगर आप इकॉनमी क्लास में हैं तो आपको ये बाय करना पड़ेगा। और ये है इकॉनमी क्लास, चलें इकॉनमी क्लास भी अंदर से देखते हैं। और वाह, ये भी इतनी बुरी नहीं है, वहाँ 1/2 था और यहाँ 2/2 की सीटें हैं, और सो ऑन इकॉनमी क्लास भी अच्छी ही लग रही है। इकॉनमी क्लास का भी सफ़र, अभी पहले बिजनेस क्लास का सफ़र तो कर ले भाई, इकॉनमी क्लास तो बाद में देखेंगे। और आगे फैमिलीज हैं, आगे मैं जा नहीं सकता, मे बी कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यही है कि अगर कैमरे में किसी की वीडियो आ जाए तो फिर बाद में मुश्किल करते हैं, पूछते हैं क्यों बनाई, क्या बनाया, तो छोड़ देते हैं और चलते हैं वापस अपने ही सीट की तरफ और जाके बैठते हैं और देखते हैं कि ट्रेन कितनी देर में चलेगी। वैसे अभी टाइम हो रहा है 8:25 और उम्मीद है कि ट्रेन 8:30 तक चली जाएगी, लेकिन ये खाली ट्रेन लग रही है। अभी पता नहीं मुसाफिर आएंगे या खाली ही लेके जाएंगे, पता नहीं। चलें चलते हैं अपनी सीट की तरफ। इन मीन टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए इस ट्रेन के। अभी हम 2 स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 2 स्टॉप ये क्लियर कर चुकी है। एक था जिद्दा, एक था कायक। अब्दुल्ला सिटी के लिए एक स्टेशन बनाया गया जो कि यहाँ के जो बादशाह वगैरह हैं उनके लिए वो सिटी है, और वो स्टेशन भी उनके लिए यूज़ होता है। तो ये 2 स्टॉप कर चुकी है, और तीसरा स्टॉप इसका मदीना में है जो कि ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर है मक्का से। मक्का स्टेशन से मदीना स्टेशन ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर है, और जो मक्का से जिद्दा स्टेशन है वो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है। तो ये 25 मिनट्स लेती है मक्का से जिद्दा पहुंचने के लिए, और ये 2 आवर्स एंड 45 और 50 मिनट्स ले रही है फिलहाल मदीना पहुंचने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि अभी इसकी एवरेज स्पीड चल रही है 300 किलोमीटर पर आवर, और ये 400 तक की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन अभी फिलहाल इसको 300 पे चला रहे हैं क्योंकि अभी इनको इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी फास्ट उसकी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये 400 तक जा सकते हैं। तो अब बात लेते हैं कुछ इंटीरियर की और सर्विसेज की। तो इसके अंदर मौजूद है एक LCD जिसके ऊपर मौजूद हैं कुछ मूवीज़ और सॉन्ग्स, लेकिन वो अरेबिक में तो समझ नहीं आई। और साथ एक मौजूद है यहाँ पे एक USB चार्जर और एक हेडफोन प्लग इन, और सुना था कि इसमें वाईफाई भी फ्री है, लेकिन वाईफाई मिला नहीं मुझे। जितनी स्मूथ और साइलेंट ये जा रही है, आवाज़ भी नहीं महसूस हो रही है, और आप चीज़ें गुजरते हुए देख सकते हैं इतनी रफ्तार से चीज़ें गुजर रही हैं, तो ये इस वक्त अपनी फुल स्पीड पे जा चुकी होगी। तो LCD पे देखते हैं कितनी स्पीड है। ये देखिए, आप भी देखिए, 300 की स्पीड पे जा रही है इस वक्त। क्योंकि मैं इस ट्रेन के फीडर स्टेशन के ऑपरेशन में काम करता हूँ, तो मुझे इजाज़त मिल गई उसके कॉकपिट में जाने की, पर सिर्फ इतनी इजाज़त मिली कि मैं उसकी फ्रंट स्क्रीन और जो उसका स्पीडोमीटर है उसकी वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए फ्रंट स्क्रीन से कैसा व्यू शो होता है। और ये देखिए स्पीडोमीटर 330 पे जा रही है इस वक्त ये।
तो हम मदीना टेम्पल पहुंच चुके हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। उफ, क्या चिल माहौल है, इतना ठंड। और ये भी टर्मिनल बेसमेंट में है, हमें बाहर जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। और ये टर्मिनल भी एज यूजुअल जिद्दा और मक्का टर्मिनल का बना हुआ है, तो मैंने इससे ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, फिर भी आप देख लो जो मैंने रिकॉर्ड किया है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ये सफर बहुत एंजॉय किया होगा, और आप कभी मक्का से मदीना ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो जाते जाते लाइक यानी कि थम्स अप करते जाइएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, क्या नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फ्री है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।